फिर देखते हैं इसको, मैं 5 मिनट या 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम इसके करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि अंदर से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है हेलमेट, बाहर से तो ठीक ही है, तो अभी इसको अंदर से अपन क्लीन करेंगे हेलमेट क्लीनर से। चलिए करते हैं चेक इसको, इससे हम करते हैं अपने हेलमेट को क्लीन किस तरह से होता है। चलिए देखिए, इसको कर देता हूँ मैं सब एक बार साइड में, यहाँ आ जाइए आप लोग। अब लाते हैं अपने हेलमेट को यहाँ पर, ये है हेलमेट, इसके अंदर से अपन को क्लीन करना है। वैसे मैंने इस बार इसको पानी से धो दिया है, बाइक वॉश हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा पानी प्रेशर से आ रहा था, मैंने इसमें हेलमेट में थोड़ा पानी को पानी से क्लीन करवा दिया था, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर जर्म्स रहते हैं, तो इसके लिए आप इसे बिना धोए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आपको ये लेना है स्प्रे और इसके अंदर आपको ये स्प्रे करना है। देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है ना, मैं आपको फ्रंट में लेके देख देता हूँ। अच्छी तरह से आप इसे कवर कर लो, ठीक है। कवर करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसे अच्छे से अंदर से आप कर लीजिए। ये देखिए पूरी तरह से मैंने इसको अंदर से कवर कर लिया है, और यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी अपन मेन सांस लेते हैं तो वहाँ पर भी जम्स होते हैं। स्प्रे बहुत तेज है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, फिर देखते हैं इसको, मैं 5 मिनट या 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम इसके करेंगे क्लीन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। सो अब इसके 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसे चाहे तो 5 मिनट आपके हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 2 मिनट ही रखूँगा। 2 मिनट आप कोई भी माइक्रोफाइबर को कपड़ा लेके, कॉटन का या कोई भी ऐसा कपड़ा लेके, इस तरह से आप इसे अंदर से इस तरह से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से एक बार अंदर से पूरा क्लीन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको पानी में भिगोया था, इस वजह से थोड़ा सा ये गीला है, अदरवाइज आप डायरेक्ट सूखे हेलमेट को भी क्लियर करोगे तो भी ये साफ हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से अंदर से क्लीन हो चुका है, तो इसका मेन मकसद ये है कि अंदर जो जर्म्स होते हैं वो क्लीन हो जाए। वॉश तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन इस स्प्रे की हेल्प से आप अंदर के जो जर्म्स हैं वो भी क्लीन कर पाओगे, और जो काफ़ी हार्मफुल रहता है, काफ़ी टाइम तक वो पहनते हैं तो अंदर के अंदर बैक्टीरिया होने लग जाते हैं, तो आप जिससे आपका हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए अंदर से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया, फिर इसको मैंने, आप नॉर्मली अगर सूखे में ही इसको क्लीन करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इसे धोया इस वजह से मुझे थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसे नॉर्मली क्लीन करके यूज़ कर सकते हो, इजी टू यूज़ है। तो ये था ये नॉर्मली हेलमेट का हल्का सा मैंने इसी वीडियो में साथ में आपको दे दिया रिव्यू, काफ़ी अच्छा है, आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, और डेली आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसे आप जैसे यूज़ अपने जैसे आपका यूज़ होता है हेलमेट का, ज़्यादा यूज़ होता था, हफ्ते में 2 बार भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। परचेज़ करना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं।